प्रदेश में अब 25,150 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो सकेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता बढ़ा दी गई है और प्रदेश में 10,000 से ऊपर कोरोना के मरीजों की संख्या हो गई है, लेकिन रिकवरी दर भी 73% से अधिक है। रघु शर्मा ने कहा कि इलाज के बाद अब तक 7,614 लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 जिलों में 21 जगह पहले से जांच हो रही है और अब सिरोही में भी जांच शुरू हो गई है। साथ ही जनता को जागरूक करने के लिए 21 से 30 जून तक सरकार की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय में बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास 2 सीटों के लिए पर्याप्त संख्या बल है और दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के विजय होंगे। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। देश में कोरोना का जब पहला मरीज सामने आया तो उस समय राजस्थान में जांच की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सरकार की संवेदनशीलता के चलते प्रदेश में अब 25,000 प्रतिदिन कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी। रघु जी, आज 25,000 की टेस्ट कैपेसिटी राजस्थान में हो गई है, तो कहाँ कहाँ कितने टेस्ट अभी हो रहे हैं? देखिए, राजस्थान में 15 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी हमने शुरू की है। पहले तो एक भी जगह टेस्ट नहीं हो रहा था, 2 मार्च को जब पहला केस आया। अब 15 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो 21 सेंटर्स पे टेस्टिंग हो रही है और कुल टेस्टिंग कैपेसिटी जो कल तक हमारी डेवलप हो चुकी है 25,150 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। हमारी जो 2 मशीनें अमेरिका से हमने मंगाई है, कोबोस 8800, उसकी एक मशीन की टेस्टिंग कैपेसिटी 4,500 टेस्ट पर डे करने की है। वो दोनों जब आ जाएगी तो आप इसमें ये समझ लीजिए कि 40,000 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी राजस्थान की हो जाएगी और वो आने वाले टाइम में 15-20 दिन में 40,000 पर डे टेस्ट करने की कैपेसिटी हम बना के दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन था कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। अब कल ही ICMR से सिरोही में टेस्टिंग फैसिलिटी की हमको परमिशन मिल गई है, तो सिरोही जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट और प्रवासी राजस्थानी आए हैं, हमने 10 जिले प्रायोरिटी पे लिए पहले, उसमें सिरोही, जालौर, नागौर, आपका गंगानगर, अलवर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, इन जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी प्राथमिकता के आधार पे, क्योंकि बाहर से काफ़ी माइग्रेंट आए थे तो यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी प्रायोरिटी पे करने की बात थी। उसमें से कल ICMR ने सिरोही को परमिट किया है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ICMR सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखता है और आपके जो इक्विपमेंट्स आपके पास मौजूद हैं उनको देखने के बाद, वो उनके अप्रूवल के बाद हम टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो राजस्थान में ये 16वीं जगह है, 16वां जिला होगा सिरोही। तो इस तरह से 22 जगह पर टेस्टिंग पूरे स्टेट में हमारी अब तक चल रही है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया 33 जिलों में हम वहाँ पर करेंगे। पॉजिटिव केसेज की संख्या ज़रूर बढ़ रही है, जब आप खोल रहे हैं लॉकडाउन के बाद में, 2 में खोला, 3 में खोला, 4 में खोला, 5 में खोला, अब तो लगभग सारी चीज़ें, मॉल भी खुल गए, होटल्स भी खुल गए, लोगों का आना जाना भी खुल गया, दुकानें खुल गई। ऐसी परिस्थिति में क्योंकि WHO भी आज कहता है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, हम भी बार बार कह रहे हैं कि सावधानी ही इसका बचाव है, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में नहीं जाएं, तो भी संक्रमण का खतरा बराबर बना रहता है। जब मास मूवमेंट होता है, जब सब चीज़ें खोल दी है, इकोनॉमी भी पटरी पर लानी है, ज़रूरी है, कब तक लॉकडाउन रखेंगे देश में? जब ये एक इम्पैक्ट आता है, जब एकदम खोलेंगे तो कुछ पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। राजस्थान में भी 11,000 पॉजिटिव केसेस हैं आज की तारीख में, लेकिन हमारा रिकवरी का परसेंट कंट्री में सबसे ज़्यादा है। 8,182 लोग इन 11,000 में से ठीक भी हुए हैं, 74.24% रिकवरी का रेट है राजस्थान का, जो कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो पॉजिटिव केस बढ़ना चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनकी रिकवरी का रेट हमारा शानदार है, तो इसका मतलब है कि राजस्थान में जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। बिल्कुल सर, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, तो उसका एक बड़ा कारण क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था भी, आपने जिस तरह प्रदेश भर में ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण ना फैले इसके लिए क्वारंटीन की बेहतर व्यवस्था की, और क्या सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि संक्रमण ना बढ़े? देखिए, हर जगह
डेजिग्नेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है, कोविड केयर सेंटर्स हैं, और जो हमारे अस्पताल थे उनको हमने लगभग फ्री कर दिया, SMS को फ्री किया है, जयपुरिया को फ्री किया है, ESI को फ्री किया है। हर जिले में सामान्य बीमारियां या हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम वो भी यथावत चलते रहे, हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं उनकी केयर होती रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, चाहे हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम है, चाहे मातृ और शिशु से संबंधित कार्यक्रम है, चाहे हमारा कैंसर के खिलाफ या टीबी के खिलाफ जो कार्यक्रम है टीबी उन्मूलन का, ये सब कार्यक्रम यथावत चलते हुए कोविड को भी उनके पेशेंट्स को ट्रीट करने की भी फैसिलिटी है। तीन तरह से हम हमारी रिकवरी रेट को ठीक कर रहे हैं, क्वारंटीन फैसिलिटी चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, बेहतर उनके मैनेजमेंट, होम क्वारंटीन का प्रोटोकॉल, फिर कोविड केयर सेंटर और डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। जिस ढंग से टेस्टिंग ज़्यादा होगी, पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करके हम डेजिग्नेट जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको अस्पताल में भर्ती करते हैं ताकि और संक्रमण फैले नहीं। एक तो संक्रमण को रोकना, दूसरा जो पॉजिटिव केस आ गया उसको 14 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में रखें, जो क्रिटिकल है उसको ICU में, ICU में भी जो और ज़्यादा क्रिटिकल है उसको वेंटिलेटर पे। इस तरह से ज़िंदगी बचाने का काम भी हम कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी यहाँ शुरू की हमने ट्रायल बेसिस पे, जोधपुर में की है, उसके भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारी भी मौत का प्रतिशत भी बहुत कम है। अगर 11,000 लोग पॉजिटिव होते हैं, 250 लोगों की डेथ हुई है अभी तक। अधिकांश जो मृत्यु हुई है इसमें से 50 तो वो हैं जो मृत अवस्था में अस्पताल आए हैं। 200 लोग जो अस्पतालों में इनकी डेथ हुई है वो कोमोर्बिडिटी है, इनको कैंसर है, हार्ट की डिजीज़ है, आपका डायबिटीज़ है, किडनी की प्रॉब्लम है। ये जो गंभीर बीमारियों वाले लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था, वो लोग अस्पताल आए और देरी से आए तो करीब करीब 200, उसमें भी हमने इस सब का एज फैक्टर निकाला। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई है वो 60 साल से ऊपर के लोगों की हुई, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ऊपर के हमारे वृद्धजन, उनको ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम यहाँ डेवलप होता है छोटी उम्र में और वहाँ कम हो जाता है 60 के बाद में। तो ऐसी परिस्थिति में ये सावधानियां उन लोगों को ज्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने कहा जैसा वैक्सीन अभी तक है नहीं तो इसकी बचाव ही उपचार है, ऐसे में लगातार सावधानियां सरकार की ओर से बरती जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए आपने डिसीजन लिया है कि 21 से 30 जून तक एक अभियान चलाया जाएगा, इस कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। किस तरह की लोगों को जागरूक किया जाएगा और किस तरह का ये अभियान होगा? ठीक है, कल मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी, क्योंकि जब सब कुछ खुल गया तो राजस्थान में वैसे तो हर आदमी के जहन में, हमने प्रचार प्रसार के माध्यम से बार बार अपील करके, विज्ञापन देके, TV पे एडवर्टीजमेंट देके आम आदमी को एजुकेट करने में हम कामयाब रहे हैं कि वो सावधानियां रखे, बचाव रखे। लेकिन अब 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक राजस्थान में एक अभियान चलेगा पूरा, जिसमें आम आदमी कोई लापरवाही नहीं बरते, आम आदमी में ये जागरूकता और घर कर जाए कि मुझे कोविड के साथ जीने की आदत डालनी है, जैसा WHO ने कहा है। तो जब कोविड के साथ जीना है तो सावधानियां जो जो रखनी है, चाहे हमारे सुपर स्प्रेडर्स के रूप में सब्जी की दुकान है, या हमारे दूध बेचने वाले लोग हैं, या किराना की दुकान पे, किस ढंग से हमको प्रोटोकॉल निभाना निजी ज़िंदगी में इससे बचाव का, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मास अवेयरनेस के प्रोग्राम इस दौरान चलेंगे, और जहाँ अवेयरनेस होगी मैं समझता हूँ वहाँ संक्रमण का खतरा कम रहता है। बिल्कुल सर, कोविड पीरियड में आपने लगातार जो प्रयास किए सरकार ने, उसकी विपक्ष ने भी तारीफ की, साथ ही केंद्र ने भी तारीफ की। सर, एक मैं पॉलिटिकली सवाल करना चाहूँगा, राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने हैं, उसके लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं BJP की ओर से विधायकों को खरीदने की, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो देश की जनता देख रही है। एक तरफ कोविड से पूरा देश भयभीत है और उसी दौरान इन्होंने कोविड जरूरी नहीं समझा, मध्य प्रदेश में सरकार बदलने का काम जरूरी था। गुजरात में आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह का लालच देके आप विधायकों को इस्तीफे दिलवाने की राजनीति कर रहे हो, देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता है इससे। देश में विपक्ष भी रहना चाहिए, जिस देश में
विपक्ष नहीं होगा उस देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। तो ये जिस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं पूरा देश देख रहा है। आपको जो बेसिक काम है आज देश की जनता को बचाने का जो चैलेंज है उस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह माइग्रेंट लेबर्स की दुर्गति हुई है, जो भयावह तस्वीर देश ने देखी है, सैकड़ों माइग्रेंट लेबर ने 500 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई, मर गए वो। ऐसे ऐसे भयावह दृश्य आए, आज फोकस करना चाहिए कि इस देश का गरीब कैसे बचे, इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार कैसे बचे, देश की इकोनॉमी कैसे पटरी पे आए, ये फोकस करने के बिंदु हैं। सत्ता में तो दूसरी बार आपको बैठा दिया दिल्ली में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बैठा दिया, सारे राज्य हैं वो भी तुम्हारे ही बन जाएंगे, लेकिन इस पेट में रोटी गरीब के कौन डालेगा, इस पे कब सोचोगे? इसलिए देश जिन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सर, संख्या बल बीजेपी के पास है नहीं और दो उम्मीदवार उतार दिए, तो ऐसे में क्या आपके सामने एक चुनौती है कांग्रेस? मैंने कहा ना, जो खरीद फरोख्त की राजनीति की शुरुआत आप पूरे, चाहे आपने कर्नाटक में सरकार गिराई हो, चाहे आपने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई हो, चाहे गुजरात में आपने 8 विधायकों को इस्तीफा दिलाया हो, ये क्रम इनका बराबर चल रहा है और ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। पब्लिक भी देख रही है और हर चीज़ का सेचुरेशन आता है हर बार चुनाव में। ये सब चीज़ें जब मैंडेट आपको मिला है, यहाँ सरकार कांग्रेस की बनाई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई लोगों ने, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाई, आप उस सरकार को निर्वाचित को घिरा रहे हो, अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास किसी से छुपे हुए नहीं है। और ये करना ऐसे दौर में जब देश खतरे के दौर से गुजर रहा है, कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, रोजगार का खतरा हर नौजवान को महसूस हो रहा है, भुखमरी के हालात हैं माइग्रेंट लेबर्स के सामने, उसमें आप ये खतरनाक खेल खेल रहे हो। करना तो ये चाहिए कि गरीब आदमी की इमदाद कैसे हो। जिस नरेगा का इन्होंने मजाक उड़ाया पार्लियामेंट में, उस नरेगा पे आपको वापस आना पड़ा ना। तो ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उनकी सोच थी कि इस देश में 100 दिन का गारंटीड कानूनन रोजगार का अधिकार उस गरीब को दिया उन्होंने, उसका मखौल आप उड़ाते रहे और आपने विकल्प तैयार नहीं किया उसका। नरेगा का आपको मखौल उड़ाना था तो नरेगा का विकल्प देते देश की जनता को, ताकि आज जो भुखमरी की हालत है आपको उसी रास्ते पर आना पड़ा, आप नरेगा पे ही आपको पैसा देना पड़ा, क्योंकि इस रास्ते के अलावा देश का गरीब मजदूर किसान गांव में रहने वाला गरीब आदमी बचाया नहीं जा सकता। तो आज 49 लाख लोगों को राजस्थान में नरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, कई कई परिवार अपना पेट पाल रहे हैं। इसलिए जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उससे हटके, आपके लिए चुनाव जरूरी है, आपके लिए सरकारें जरूरी है, आपके लिए देश की जनता जरूरी नहीं है, गरीब जरूरी नहीं है, ये तय करना पड़ेगा बीजेपी को। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनका साफ कहना है कि राजस्थान में 25,150 जांचें आज कोरोना की हो रही हैं, साथ ही जल्द ही प्रदेश के सभी 33 जिलों में कोरोना के जांच टेस्ट स्थापित किए जाएंगे। और साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी को इस कठिन समय में नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। संख्या बल कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार विजयी होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।